स्वागत है आपका टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में। 8 PM न्यूज बुलेटिन में आज चर्चा होगी अहम खबरों की, जिनका सीधा सरोकार होगा आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं से। नमस्कार, मैं हूं विवेक मिश्र। 8 PM न्यूज बुलेटिन की बड़ी खबरों में आज चर्चा होगी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की। ICC के कर्मचारियों पर अमेरिका ने लगाया प्रतिबंध, ICC समेत ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार ने जताया विरोध। मानवता के खिलाफ तमाम अपराधों को लेकर अंतिम उपाय के रूप में काम करता है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय। इसके साथ ही कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों की चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले हेडलाइंस पर एक नज़र। DRDO ने विकसित किया जर्मी क्लीन नाम का सैनिटाइज कक्ष, सुरक्षा बलों की वर्दी को सैनिटाइज करने में मिलेगी राहत। कर्नाटक सरकार के मंकी पार्क का पर्यावरणविदों ने किया विरोध, पारिस्थितिकी असंतुलन को बताया वजह। सिप्री ने जारी किया नवीनतम ईयरबुक 2020, चीन के पास 320 और भारत के पास हैं 150 परमाणु हथियार। भारत का GPAI संस्थापक सदस्य देशों के समूह में शामिल, इस समूह से तमाम देशों को एक मंच पर लाने में होगी सहूलियत। भारत ने बनाया पहली मोबाइल रोग निदान शाला, एलिसा तकनीक सहित तमाम सुविधाओं से है लैस। महान्यायवादी का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा, 30 जून को समाप्त होना था 3 वर्षीय कार्यकाल। इन सभी महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा होगी आज 8 PM न्यूज बुलेटिन में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के कुछ कर्मचारियों पर प्रतिबंध लगाने के मामले को लेकर अमेरिका एक बार फिर विवादों में घिरता दिखाई दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस कार्यकारी आदेश के मद्देनज़र ICC के कर्मचारियों की वित्तीय संपत्ति अवरुद्ध हो जाएगी और इन कर्मचारियों सहित इनके रिश्तेदारों को अमेरिका में प्रवेश करने से रोक दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के ये अधिकारी अफगानिस्तान और अन्य स्थानों पर हुए युद्ध अपराधों में अमेरिकी सेना और इसके सहयोगियों के शामिल होने की जाँच कर रहे थे। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल की माने तो अमेरिकी न्याय विभाग को पर्याप्त जानकारी मिली, जो अभियोजन पक्ष कार्यालय में उच्चतम स्तर पर वित्तीय भ्रष्टाचार और दुर्भावना के लंबे इतिहास के बारे में गंभीर चिंताओं को उजागर करती है। अमेरिका का कहना है इसका अधिकार क्षेत्र केवल तभी लागू होता है जब कोई सदस्य राज्य अत्याचारों के खिलाफ मुकदमा चलाने में असमर्थ या अनिच्छुक होता है। दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की निगरानी करने वाली असेंबली ऑफ स्टेट पार्टीज़ के अध्यक्ष ओगान क्वान ने अमेरिका के उस फैसले को खारिज कर दिया है जिसमें अफगानिस्तान में हुए कथित युद्ध अपराधों की जांच कर रहे ICC कर्मचारियों के खिलाफ यात्रा प्रतिबंध लगाने की बात कही गई। अमेरिका की आलोचना करते हुए आगे क्वान ने कहा कि ऐसे फैसलों से सामूहिक अत्याचारों की जवाबदेही तय करने के उनके प्रयास कमज़ोर पड़ जाएंगे। इस संदर्भ में ब्रिटेन ने भी अमेरिका की आलोचना करते हुए ICC का खुला समर्थन किया। ब्रिटेन ने आगे कहा कि वे प्रतिबंधों को नज़रअंदाज कर बिना रोक टोक काम करें। ICC की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को बताते हुए क्वान ने कहा कि कोर्ट का संचालन रोम संविधि के तहत किया जाता है और इस संविधि में स्पष्ट तौर पर बताया गया है कि अत्याचार संबंधी अपराधों की जांच, मुकदमे और न्याय प्रक्रिया का अधिकांश क्षेत्र सबसे पहले सदस्य देशों के पास ही होता है। उनका कहना है कि ICC न्याय पाने की आखिरी उम्मीद है। क्वान ने आगे यह भी बताया कि कोर्ट और असेंबली ऑफ स्टेट पार्टीज ने एक समीक्षा प्रक्रिया की शुरुआत की है जिसके जरिए रोम संविधि को मजबूत कर अत्याचार संबंधी अपराधों के मामलों में असरदार ढंग से जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। अमेरिका और ICC के संबंधों पर नज़र डालें तो पता चलता है कि क्लिंटन प्रशासन रोम संविधि की वार्ताओं में शामिल था, लेकिन साल 2002 में George W. Bush ने अमेरिका को रोम संविधि से अलग कर दिया और ICC की पहुंच से अमेरिकी नागरिकों की रक्षा के लिए अमेरिकन सर्विस मेंबर्स प्रोटेक्शन एक्ट पर हस्ताक्षर किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साल 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में घोषणा करते हुए कहा कि अमेरिका ICC को किसी भी प्रकार का समर्थन या मान्यता नहीं प्रदान करेगा। ICC के अलावा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने भी अमेरिकी निर्णय पर नाराजगी जताई है। गौरतलब है कि ICC नीदरलैंड के हेग में स्थित एक अस्थायी न्यायिक निकाय है। इसका सृजन साल 1998 के अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय पर रोम संविधि द्वारा किया गया, जो 1 जुलाई 2002 से इस संविधि के लागू होने के साथ कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। ICC मुख्यतः नरसंहार, मानवता के खिलाफ अपराध,
युद्ध अपराध और अतिक्रमण के अपराध क्षेत्रों में अंतिम उपायों के रूप में काम करता है। यहाँ ध्यान दीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का एक हिस्सा है जो ICC से अलग है। और अब अंत में कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों पर नज़र, जिनका सीधा सरोकार आपकी परीक्षाओं से। सुरक्षा के लिहाज से रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने सुरक्षा बलों की वर्दी को कीटाणु मुक्त करने के लिए जर्मी क्लीन नाम का एक सैनिटाइजिंग कक्ष विकसित किया है। DRDO की माने तो यह कक्ष प्रत्येक 15 मिनट में 25 जोड़ी वर्दी को सैनिटाइज कर सकता है। यह कक्ष DRDO द्वारा पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में स्थापित किया गया। आपको बताते चलें कि DRDO ने सैनिटाइजेशन टनल और सैनिटाइजेशन मैट भी विकसित किया है। गौरतलब है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के तहत आधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए भारत को सशक्त बनाने के लिहाज से कार्य कर रहा है। इसका गठन साल 1958 में किया गया। हाल ही में कर्नाटक के मलनाड क्षेत्र में बंदरों के आतंक से कृषि और बागवानी को संरक्षित करने के उद्देश्य से कर्नाटक सरकार के सरावती पश्चजल क्षेत्र में निर्जन द्वीपों पर मंकी पार्क स्थापित करने की योजना का पर्यावरणविदों द्वारा विरोध किया गया। दरअसल कर्नाटक के मलनाड क्षेत्र में बंदरों ने फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है, लिहाजा किसान संगठनों ने सरकार से इसके निराकरण की मांग की थी। इस समस्या को मद्देनज़र रखते हुए कर्नाटक सरकार ने साल 2020-21 के बजट में 6.25 करोड़ रुपए का आवंटन भी किया, लेकिन पर्यावरणविदों ने इसका विरोध किया और कहा कि सरावती पश्चजल क्षेत्र में स्थित द्वीप वानस्पतिक दृष्टि से जैव विविधता से समृद्ध हैं और मंकी पार्क स्थापित करने से वहां पारिस्थितिकी असंतुलन पैदा हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में बंदर नसबंदी और पुनर्वास केंद्र स्थापित किया गया है। हाल ही में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी SIPRI ने ईयरबुक 2020 प्रकाशित की है। इसके अनुसार चीन के पास परमाणु हथियारों की संख्या 320 है, जबकि पाकिस्तान के पास 160 और भारत के पास 150 परमाणु हथियार होने का अनुमान लगाया गया। रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका की वैश्विक परमाणु हथियारों में तकरीबन 90% की भागीदारी है। रूस के पास 6,375 और अमेरिका के पास 5,800 परमाणु हथियार हैं। साल 2020 के शुरुआत तक परमाणु हथियार संपन्न देशों में अमेरिका, रूस, UK, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तरी कोरिया शामिल हैं। अप्रैल 2020 में जारी SIPRI की रिपोर्ट के अनुसार 2019 में अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया का तीसरा देश है जो सबसे अधिक सैन्य जरूरतों पर खर्च किया है। 15 जून को भारत वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता भागीदारी यानी GPAI संस्थापक सदस्य देशों के समूह में शामिल हो गया। आपको बताते चलें कि इस समूह में अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, कनाडा और फ्रांस सहित अन्य देश भी शामिल हैं। इस समूह से अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और भागीदारी के सहयोग से उद्योग क्षेत्र, नागरिक संगठनों, सरकारी और शिक्षा जगत के प्रमुख विशेषज्ञों को एक मंच पर लाने में सहायता होगी। हाल ही में भारत की पहली रोग निदानशाला महज 8 दिनों में बनकर तैयार हो गई। यह मोबाइल निदानशाला PM मोदी के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान का एक हिस्सा है। यह कठिन समय में आत्मकुशल होने के विचार को बढ़ावा और समर्थन देती है। आपको बताते चलें कि यह पहली संक्रामक रोग निदानशाला एक BSL-2 सुविधा से युक्त है। इसमें बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर, रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और ऑन साइट ELISA परीक्षण की सुविधा है। ELISA एक ऐसी तकनीक है जिसे प्रोटीन, एंटीबॉडी, पेप्टाइड्स और हार्मोन जैसी घुलनशील पदार्थों की मात्रा निर्धारित करने और पता लगाने के लिए किया जाता है। यह निदानशाला प्रतिदिन तकरीबन 50 RT-PCR और 200 ELISA परीक्षण कर सकती है। भारत के अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। दरअसल श्री वेणुगोपाल का मौजूदा 3 वर्षीय कार्यकाल 30 जून को समाप्त हो रहा है। आपको बताते चलें कि वेणुगोपाल को 30 जून 2017 को देश के 15वें अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित और संविधान विशेषज्ञ वेणुगोपाल मोरारजी देसाई की सरकार में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के पद पर कार्य कर चुके हैं। गौरतलब है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, बशर्ते वह उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। महान्यायवादी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं होता। वह किसी भी न्यायालय में उपस्थित होकर
अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकता है। आपको बता दें कि महान्यायवादी को उसके कार्यों में सहयोग करने के लिए सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की भी व्यवस्था की गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमको ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।